हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे बी आर रीडिंग सिक्स्थ लेसन ऑफ इंग्लिश बुक द एनॉर्मस टर्निप एनॉर्मस मींस बहुत बड़ा या विशाल जिसे कहते हैं टर्निप शलगम वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी प्लांटेड बीजना टर्निप शलगम सीड्स बीज एक समय की बात है कि एक बूढ़े आदमी ने शलगम के बीज लगाए द टर्निप सीड्स ग्रू द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू शलगम के बीज उगना शुरू हुए शलगम के बीज उगते गए और उगते गए मतलब बढ़ते गए और बढ़ते गए आई वॉन्ट टू अप द एनर्मस टर्निप एट द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने कहा मैं इस बहुत बड़े विशाल शलगम को खींचना चाहता हूँ निकालना चाहता हूँ द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड वट ही कुड नॉट पुल द अनर्मस टर्निप बूढ़े आदमी ने खींचा और खींचता रहा परंतु वह उस विशाल शलगम को नहीं निकाल पाया एंड ओल्ड वुमेन केम एक बूढ़ी औरत आई आई वॉन्ट टू पुल अप दैट अनर्मस टर्निप सेट द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने कहा मैं इस विशाल शलगम को खींचना चाहता हूँ निकालना चाहता हूँ आई विल हेल्प यू सेट द ओल्ड वोमन बूढ़ी औरत ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगी द ओल्ड मैन एंड द वोमन पुल्ड एंड पुल्ड बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी खींचते रहे खींचते रहे व्हाट दे कु नॉट पुल्ड ऑफ द अनर्मस टर्निप परंतु वे उस विशाल टर्निप को नहीं निकाल पाए अ बॉय केम एक लड़का आया वी वॉन्ट टू पु लव दैट अनार्मिक सेट द ओल्ड वूमेन बूढ़ी औरत ने कहा हम इस विशाल शलगम को खींचने की कोशिश कर रहे हैं आई विल हेल्प यू सेट द बॉय लड़के ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड बूढ़ा आदमी बूढ़ी औरत और वो लड़का खींचते रहे खींचते रहे पिक्चर में देखो बच्चे कि कैसे वो शलगम को खींच रहे हैं लेकिन नहीं खींच पा रहे हैं वट दे दस टर्निप परंतु वे उस विशाल शलगम को नहीं निकाल पाए ओ गोल्ड किंग एक लड़की आई वी वॉन्ट टू पुल अप दैट द बॉय लड़के ने कहा कि हम इस विशाल शलगम को निकालना चाहते हैं आई विल हेल्प यू सेट द गर्ल लड़की ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगी द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वोमन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड बूढ़ा आदमी बूढ़ी औरत लड़का और लड़की खींचते रहे खींचते रहे अप केम द अनार्मर निप और विशाल शलगम बाहर निकलाया वी विल हेल्प यू टू ईट द अनारेट द ओल्ड वोमन एंड द बॉय एंड द गर्ल बूढ़ी औरत ने बु, और लड़के ने और लड़की ने कहा कि अब हम तुम्हारी इस शलगम को खाने में मदद करेंगे हेल्प मीन्स मदद एंड दे डिड और उन्होंने किया उन्होंने शलगम को खा लिया स्टूडेंट्स ये थी स्टोरी कि हम मिलकर कोई भी बड़े से बड़ा काम आराम से कर सकते हैं जैसे इन चारों ने उस विशाल शलगम को एक साथ मिलकर खींचा और फिर साथ में मिलकर बांटकर खाया तो अब हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे The first word is enormous. Enormous means bahut bishal. Seed, beech old man, buddha aadmi, old woman, budhi aurat, pulled, khinchna ya khincha, planted, bijna grew, badna help, mother. Its first question is what did the old man plant? Budhe aadmi ni kya tha? The old man planted some turnip seeds. सेकेंड क्वेश्चन इज वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल पुल अप द टर्न कि बूढ़े आदमी को उस शलगम को खींचने में क्यों मुश्किल हो रही थी आंसर इज बिकॉज द टर्न इज एनॉर्मस क्योंकि वो जो शलगम था वो बहुत बड़ा था थर्ड क्वेश्चन इज हु हिम टू पुल अप दर्न इ बूढ़े आदमी की किसने मदद की शलगम खींचने में द आंसर इज द ओल्ड वुमन अ बॉय एंड अ गर्ल हेल्प हिम फोर्थ क्वेश्चन इज हु एट द अनार्मिप विशाल शलगम को किस किस ने खाया द ओल्ड मैन द ओल्ड वोमेन द बॉय एंड द गर्ल एट द अनार्मिप बूढ़े आदमी ने बूढ़ी औरत ने लड़के ने और लड़की ने उस विशाल शलगम को खाया अब इसका हम बुक वर्क करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एंड ड्रॉ फोर वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ नेम नाउ नेम दैम इन योर ओन लैंग्वेज कि आपने चार वेजिटेबल चार सब्जियों के फोटोज बनाने हैं पिक्चर बनाने हैं और उनका अपनी भाषा में नाम लिखना है तो मैंने नेम राइट किए हैं आपने पिक्चर खुद बनानी है फर्स्ट इज पोटैटो जिसे आलू कहते हैं कैरेट्स गाजर बीटरूट चुकंदर रेडिश मूली सेकेंड क्वेश्चन इज लेट्स गो शॉपिंग हाउ मैनी वेजिटेबल्स यू कैन फाइंड इन दिस मेज ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड वन हैज बीन डन फॉर यू आपको पिक्चर्स दी हुई हैं वेजिटेबल्स की कैरेट पीज बीन्स टर्निप टमाटो एंड पटेटो फिर आपने इस बॉक्स में से इस कॉलम से स्पेल्स को जोड़ना है और उनको बनाना है मैंने आपकी हेल्प कर दी है आपने ऐसे इसको कर लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन गेम ऑफ ऑपोजिट ग्रुप ए में आपको वर्ड्स दिए हैं ग्रुप बी में आपने उनके ऑपोजिट वर्ड राइट करने हैं पुल पुश ब्लैक वाइट ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग क्वेश्चन इज ऑपोजिट वर्ड्स फार नियर गुड बैड डार्क लाइट और ब्राइट भी बोलते हैं अप डाउन ऑल्ड न्यू हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स रॉ और कु से भाई आपको ये वेजिटेबल्स दी हुई हैं आपने उनको कैसे खाते हैं कच्चा खाते हैं या पकाकर खाते हैं उसके बारे में बताना है तो वेजिटेबल्स हैं आपकी कैरेट टर्निप पोटैटो अनियन बीन्स कैरेट को हम कच्चा खाते हैं टर्निप को भी मैं कच्चा खाती हूँ लेकिन आपने कुक करना है पोटैटो कुक अनियन रॉ बीन्स कुक नेक्स्ट है नेम फॉर वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक राइट देयर नेम्स आपने पिछले हफ्ते कौन कौन सी सब्जी खाई आपने उसका नाम लिखना है लेकिन मैंने राइट किया है पोटैटो बीन्स लेडी फिंगर कैबेज दीज आर सिंगलर एंड प्लूरल फर्स्ट कैरेट को कन्वर्ट करते हैं कैरेट्स टर्निप टर्निप्स ऑनियन अनियंस पोटैटो पोटैज टमैटो टमाटोज एंड लास्ट क्वेश्चन इज सर्कल ओड वन टर्निप पटेटो टमाटो सनफ्लावर कैरेट ब्रिंजल क्लू वेजिटेबल वेजिटेबल्स के नाम हैं ये देखना है कि कौन सा अलग है तो इसमें सनफ्लावर अलग है सर्कल करें कऊ हॉर्स गोट फॉक्स कंगारू मेलन मेलन इज ऑट बन बनियन नीम पीपल मैंगो स्नैक एप्पल दीज आर फ्रूट्स ट्रीज नेम एंड स्नेक इज नॉट अ ट्री रोज लिली सनफ्लावर्स लोटस कॉलीफ्लावर सर्कल कॉलीफ्लावर्स pico carrot lizard crow woodpecker lizard means Chipkali. circle this so student this was the lesson of the enormous turnip i hope you understand this lesson very well so please subscribe this channel like this video and share videos with your friends thank you thanks for watching have a good day stay safe stay healthy take care bye bye